हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाइक का बैटरी कहाँ पे होता है और उसे कैसे खोलते हैं और रिप्लेस करते हैं। तो जनरली बाइक का बैटरी कुछ साल चलने के बाद ख़राब हो जाता है, तो उसे बदलना पड़ता है। आप घर में ही ये काम कर सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए, ये फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बाइक को पहले हम लोग को इधर लेफ्ट साइड वाला खोलना पड़ेगा। यहाँ पे एक नट लगा हुआ है। ये जो बाइक है होंडा साइन है 125 सीसी का, तो इसमें मैं दिखा रहा हूँ, बाकी जनरली सारे बाइक में यहीं पे पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, बहुत सारे बाइक में स्क्रू दिया हुआ रहता है, इसमें भी स्क्रू था, मैं इसे रिप्लेस करके नट लगाया हूँ। तो इसे सबसे पहले खोलते हैं और इसको निकालने के लिए लेफ्ट साइड वाला को पहले हम लोग खींचेंगे, इस तरह बाहर आ जाएगा, और इसे बाईं ओर खींचेंगे। देखिए यहाँ पे आउट लिखा हुआ है, तो इस तरह खींचेंगे। ये फंसा हुआ रहता है, यहाँ पे स्लॉट बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे स्लॉट है, ये जाके लॉक में फंसा हुआ रहता है, यहाँ पे लॉक बनाया हुआ है, ये इसमें जाके फंसा हुआ रहता है, तो इसे हम लोग को खींचना पड़ता है बाईं ओर। तो ये देखिए बैटरी हम लोग को दिखने लगा है। तो बैटरी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका टर्मिनल को खोल लेते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल पहले खोल लेंगे। तो मैं फटाफट इसे खोल लेता हूँ। अगर आप स्कूटी का बैटरी चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। स्कूटी का स्पार्क प्लग खोलने के रिगार्डिंग वीडियो बना हुआ है। अब इस बेल्ट को हम लोग उतार लेते हैं, यहाँ पे इसे खोलेंगे तो बैटरी बाहर आ जाएगा। इस तरह आसानी से बैटरी को आप रिप्लेस कर सकते हैं। बैटरी के साथ साथ वारंटी कार्ड भी बाहर आ गया, तो आप भी इस तरह बैटरी का वारंटी कार्ड को साथ में रखिए, ताकि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। जब भी ख़राब हो बैटरी, तो वारंटी पीरियड में रहे तो आप लौटा सकें उसे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए।